हेलो, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू JNC फैमिली. माई सेल्फ संचयिता हाजरा. सो आई एम फ्रॉम वेस्ट बेंगल एंड आई कम्प्लीट माई ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, SSKM हॉस्पिटल कैंपस. सो मेरा डिग्री कम्प्लीट होने के बाद मैं JNC से यूट्यूब से क्लास लेती थी, और मेरा जो कॉलेज था तो कॉलेज से मेरा जो थ्योरी था वो मेरा अच्छे से पढ़ाया जाता था, इसलिए मैंने कोई थ्योरी बैच नहीं लिया. लेकिन JNC से मैंने मुआवजे टेस्ट सीरीज लिया था. लेकिन मेरा थ्योरी कंप्लीट होने के बाद भी मेरा कॉन्सेप्ट उतनी अच्छे से क्लियर नहीं था कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रही थी कि उसका आंसर दे सकूँ ऐसा. तो इसलिए मेरा नॉर्सेट 6 जो आया था, तो नॉर्सेट 6 में मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ. मेंस में बहुत ज़्यादा रैंक था मेरा, तो नहीं हुआ. तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, क्योंकि मेरा जो और रूममेट था, रूममेट थे तो उनका हो गया. तो मेरा मतलब एक होता है ना, तो ऐसा वाला फेस था. फिर आपकी से मैंने सोच लिया कि मुझे अब प्राइवेट में जॉब करना है, ऐसा सोच लिया था, और मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है. लेकिन आपकी सर का वीडियो देखा, आपकी सर का नेवर गिव अप वाला, जिसको प्राइवेट में नहीं जॉब करना है, साइकिल से फ्लाइट तक, यही बात मतलब मेरा दिमाग में घुस गई थी कि मुझे प्राइवेट में नहीं जॉब करना था. तो उसके बाद मैं JNC से यूट्यूब में रेगुलर क्लास लिया, लाइव क्लास जो 7 AM में होती है और जो 10:30 में होते है, एल सीरसा नाम से मैं क्लास लेती थी. उसके बाद मैंने 14 MCQ बैच लिया JNC से ही, और 14 MCQ बैच में मतलब हर एक सब्जेक्ट को इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता था. लाइक जब मैंने थ्योरी पहले बार खुद से पढ़ी थी, तो मैं मतलब ऐसा लगता था कि मैं रट्टू तोता जैसे पढ़ रही थी. लेकिन 14 MCQ बैच में तो मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो 14 MCQ बैच से ही मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ. फिर मैंने एम्स के लिए मतलब जो मेरा बैच था उसी से ही मैं पढ़ रही थी. तो उसके बाद मेरा एम्स में प्री भी अच्छे से क्लियर हो गया. उसके बाद मेंस में भी मेरा अच्छा रैंक आया, जो 336 है, और मुझे मेरा फाइनली ड्रीम एम्स को लेने मिल गई. उसके लिए मैं पूरी JNC फैमिली को, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ.